कम करने के लिए वो सब कुछ छोड़ देती है और तब होता है ब्लंडर। एक वैसी वायु बढ़ी हुई है और एक आप लोग बिल्कुल ड्राई सैलेड्स और डाइट्स और फिर रिगरस जिम कि किस तरह मेरा वेट मेंटेन रहे, तो वो उल्टा होता है उससे। अगर आप कामनेस रख के एक प्रॉपर डाइट लेके, और मैं ये नहीं कह रही कि आप देसी घी भी छोड़िए, लेकिन हाँ आप एक्टिव रहिए। आजकल हम लोग फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, उसी वजह से हमें सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप रूटीन में एक घंटा योगा या वॉकिंग और मेडिटेशन, ये मस्ट है इस एज को मेंटेन करने के लिए। और देसी घी आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। आप ऑयल्स ले सकते हैं जैसे कि तिल का तेल, सरसों का तेल, पर देसी घी नहीं छोड़ना आपने। ऐसे ही आपने फेस का ग्लो मेंटेन करने के लिए एक नोज़ में ऑयल डालते हैं जिसको मिक्सर पिगमेंट होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, जो सुबह पहले के लोग देसी घी डालते थे, अब आजकल कई ऑयल्स आते हैं इसके लिए, जिससे आपका रिंकल्स हैं वो भी कम पड़ेंगे। जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, मैं सबके अगेंस्ट में कोई भी रिकमेंड नहीं कर रही आपको, चाहे कोई कितना नेचुरल है, यू शुड नॉट यूज़। आप यूज़ कीजिए नेचुरल चीज़ें, तिल का तेल लगा सकते हैं आप, देसी घी यूज़ कर सकते हैं फेशियल के लिए। अदरवाइज़ काफ़ी सारे मेडिसिनल ऑयल्स आते हैं जिनसे आप फेशियल कर सकते हैं और अपना ग्लो फेस का मेंटेन कर सकते हैं। बेसिक है डाइट्स, फ्रूट्स मैक्सिमम, वाटर इनटेक पे एक बहुत कॉमन मिथ है जो व्हाट्सएप वगैरह में देख के लोग करते हैं या वैसे भी, कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि मेरी हेल्थ मेंटेन रहे और मेरा ग्लो मेंटेन रहे। ये उल्टा है इस एज में। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम जिन लेडीज़ को होती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपको पानी उतना पीना चाहिए जितनी आपको प्यास है। आप सारा दिन एसी में बैठते हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, और आप अगर 8 लीटर पानी पी रहे हो तो कैसे डाइजेस्ट होगा आपको? एक मजदूर की और आपकी रिक्वायरमेंट डिफर होगी ना, वो गर्मी में काम कर रहा है और आप लोग नहीं कर रहे उतना काम। तो इसलिए सेम एक जनरलाइज वर्जन कि ठीक है ये आया है कि इतना पानी पियो, दिस इज़ नॉट राइट। आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली डाइट लेनी है, जितनी आपको भूख है उतना आप लीजिए। एक चीज़ और, अक्सर लेडीज़ क्या करती है कि सुबह एक दो बिस्किट ले लिए कि मैंने खाना नहीं खाया या मुझे कुछ नहीं आ रहा। एक बिस्किट में एक चपाती के बराबर कैलोरीज होती है। ये बिस्किट या रस खाने से अच्छा है ढंग से ब्रेकफास्ट कीजिए विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लीजिए, और कोई स्टार्वेशन मत कीजिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए। आप आटे चेंज करिए, एक ही डाइट हमेशा नहीं लेनी आपने। हमारी बॉडी को भी एफर्ट करना पड़ता है नई नई डाइट्स लेने पे उसको डाइजेस्ट करने में। तो एक मोनोटोनस रूटीन आपका नहीं होना चाहिए कि ठीक है उठते ही सुबह सबके गर्म परांठे बन रहे हैं वो फिक्स है, या ब्रेड बन रही है वो फिक्स है। नो, कभी आप दलिया ले सकते हैं वेजिटेबल्स वाला, कभी आप पोहा ले सकते हैं, कभी और ऐसी चीज़ें चीला ले सकते हैं, जौ का आटा यूज़ कीजिए, ज्वार का आटा यूज़ कीजिए, रागी ले सकते हो, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है ये। विंटर्स में जिनको ठंड ज़्यादा लगती है वीकनेस के कारण, वो बाजरा ले सकते हैं। जिनकी शुगर बढ़ी हुई है वो बीट्स बिल्कुल कम लें। बीट्स जो है सबसे ज़्यादा अच्छी है शुगर बढ़ाने के लिए, खासकर एमपी का आटा जो लोग लेते हैं कि मैं शरबती गेहूँ ले रहा हूँ, वो शुगर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए उसको कम लीजिए आप। चने का आटा, सोयाबीन, रागी, ज्वार का आटा, ये चीज़ें चेंज कर करके लीजिए आप। और बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स मैक्सिमम, सीजनल वेजिटेबल्स, कोई इम्पोर्टेड फ्रूट्स लेने की जो एक्सपोर्ट से आते हैं बहुत कॉस्टली फ्रूट्स, जितने सीजनल फ्रूट्स हैं वो लीजिए आप, दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। और जो यहाँ पे होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली हैं। और दूध नहीं छोड़ना चाहिए लेडीज़ को, स्पेशली इस एज में, बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही आप फुल क्रीम मिल्क लीजिए, आप गाय का दूध लीजिए, डबल टोन मिल्क लीजिए, बट दूध लीजिए, इट्स वेरी गुड फॉर लेडीज़। फ्लैक्स सीड ले सकते हैं आप, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, तिल के बीज ले सकते हैं। और विंटर्स जैसे आ रही हैं, दे आर वेरी गुड फॉर मेंटेनिंग आवर हेल्थ। स्टारवेशन नहीं करनी, बट हाँ वेट को मेंटेन करने के लिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जंक फूड्स बंद कर दीजिए। आजकल ट्रेंड हो गया है पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ये सब चीज़ें दे आर वेरी बैड, मतलब ये वेट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट बढ़े तो आप लीजिए, अदरवाइज नॉर्मल डाइट लिए लीजिए, कोई वेट नहीं बढ़ेगा। अपना एक रूटीन रखिए कि आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, तो यू विल बी मेंटेन। इसके अलावा किसी भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क, थैंक यू।